यदि डोज मैं तुम्हें दोबारा क्लीयर कर दाँ जिमें कणक दे 2.5 ml पर लीटर के हिसाब नाल आपां स्प्रे करांगे जी। जनरली हर फसल के लिए यह है। हुण आपां बागां दे विच गल करिए, बागां दे विच पानी वध लगन करके उहदी अमाउंट पर एकड़ वध जांदी है क्योंकि उत्थे फलावट बहुत हुंदी है, बूटे की वध जांदा ते कणक दे विच देखिए तां आपां जिवें 150 liter पानी जे आपां वरत गए तां 200 to 250 ml पर एकड़ दे हिसाब नाल एक बारी स्प्रे करिए, फिर उहनूं दूजी वारी स्प्रे करिए। ते इत्थे एक होर भी चीज़ है, एक बारी भी स्प्रे कर सकदे आ पर जे आपां जिवें आपां देखिया जावे चाहे रवायती यूरिया चाहे नैनो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तत् है इहनू जिन्ने भी आपां पार्ट्स विच डिवाइड करके दे सकीए प्लांट नू उन्ना ही आपां वध फायदा हुंदा। यूरिया एक बारी देण नालों, मैं जिवें रवायती यूरिया भी किसान वीर वरतदे उहनां नू भी कहना चाहांगा भी यूरिया इक्को वारी देण नालों उहदे पार्ट्स जिन्ने आपां छोटे तों छोटा पार्ट करके खेत विच छिट्टा दे सकीए उन्ना उहदा वध तों वध यूटिलाइजेशन आपां लै सकदे आं। इस लई जिवें जनरली आपां 250 ml पर एकड़ दे हिसाब नाल इक वारी स्प्रे करो, हफ्ते 10 दिन दे फर्क नाल इन्नी उहदी फिर स्प्रे कीती जा सकदी है जी, क्योंकि उस दे नाल उहदी वैजीटेटिव ग्रोथ होर वध जाएगी ते उस तो बाद जो अगली स्प्रे करांगे उहनूं होर आपां यूटिलाइज कर सकते हैं।